ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा घर है, जाओ यहाँ से मेरे घर से, हट जाओ, बच गए, ओ नहीं, अभी नहीं, ओ शूट। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, ऋषिराज गेमिंग में आपका स्वागत है और माइनक्राफ्ट के नए एपिसोड में भी। गाइज तो कैसे हैं आप सब लोग, और आप देख रहे हो ना मस्त मैंने आर्म कर लिया है खुद को, मेरे पास हाँ आर्मर है जो हमने नेक्स्ट यानी सॉरी लास्ट एपिसोड में हमने जो बना लिया था। और यहाँ पर पता नहीं कैसे बट बहुत सारे ब्लेजर्स आ गए हैं, मतलब मेरे को काम करने नहीं दे रहे हैं, बट चलो ठीक है। और एक ही हमने नेदर पोर्टल बना लिया था, मैं अभी इसमें अभी जाऊँगा बट अभी नहीं। और मैं आपको कुछ कुछ अपडेट देना चाहता हूँ जो मैंने किए हैं अभी ऑफलाइन जाके, मतलब बहुत ज़्यादा तो खास नहीं है बट इतने हैं कि मतलब आपको थोड़ा ठीक लगेगा, आपको लगेगा कि चलो भाई कुछ तो किया एटलीस्ट। तो ये देखो गाइस, मैंने एक तो ये जगह इतनी सारी मतलब साफ कर ली है थोड़ी सी, तो यहाँ पर मैं अपना बेस बनाऊंगा, मतलब उस वाले बेस को हम छोड़ेंगे, यहाँ पर बेस बनाएंगे, एक बड़ा सा अच्छा घर बनाएंगे। मैंने अभी कोई घर वर नहीं बनाया, और ये थोड़ा सा अजीब था तो मैंने इसे मस्त से सेट किया है, बहुत ज़्यादा अच्छे से तो नहीं भर पाया बट चलो ठीक है, काम चलाया जा सकता है, बस इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तो पहले मैं इसे पहाड़ को यहाँ से साफ कर रहा था, बट यार इतनी मेहनत क्यों करें जब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी साफ जमीन है, थोड़े बहुत ब्लॉक लगाए और हो गया काम। अच्छा गाइस ये और देखो आप, ये मैंने एक लाइब्रेरी बनाई है जो कि बिल्कुल भी अलाइंड नहीं है, आई नो वेरी वेल, बट लेकिन ठीक है, मैं काम चला सकते हैं भाई हम इससे। तो ये कुछ ऐसी, एक सेकंड में भाई मैं टॉर्चेस लगाऊँ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर मॉब्स आ जाएं और हमारी पेटी बना जाए। यहाँ पर लगाओ एक यहाँ पीछे लगाओ, मेरे पास एक और है, चलो कोई बात नहीं बाद में और बना लेंगे, हमारे पास काफ़ी कोल है। यहाँ पर कोई तो है जिसकी मेरे को साउंड आ रहा है, डोंट नो कहाँ है, बट इसके अंदर तो नहीं होगा ना। हाँ तो ये देखो मैंने लाइब्रेरी बना ली है, मेरे को नहीं पता ये सही बनी है कि नहीं, शायद मेरे को लगता है ये गलत बनी है, आई डोंट नो क्यों लग रहा है मेरे को ऐसा। बट यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर टेबल रखेंगे, टेबल इससे चिपका के तो रख नहीं सकते, मतलब एक ब्लॉक शायद दूर छोड़ के बनाते हैं, तो मैंने ये बहुत पास पास बना दिया है, बट भाई मेरे को इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, मैं इसको बिल्कुल भी तोड़ के दोबारा अभी नहीं बना सकता, मैं इसको बाद में देखो भाई बाद में करूँगा, मेरे को जो भी करना है। तो मैं एक काम करूँगा, या फिर इसको थोड़ी सी बाहर निकाल दूंगा, आई थिंक यहाँ पर थोड़े थोड़े बाहर निकाल दूंगा इनको तो शायद ठीक लगे, कह नहीं सकते गाइज अभी तो मैं कुछ नहीं जानता, तो मैं कुछ ऐसा कुछ सीन करने की सोच रहा हूँ, इसका मेरे को आइडिया तो नहीं, बट चलो यहाँ पर हम एक टेबल लगाएंगे, वो भी वो जो इंचांटेड करने वाली टेबल होती है, मैं आपको बताता हूँ चलो उसका क्या सीन है एक सेकंड। और बाकी हम इसमें अभी नेदर पोर्टल में भी चलेंगे बट वो भी बाद में चलेंगे, पहले मैं वो दिखाता हूँ आपको कि वो हम बना कैसे सकते हैं। मेरे को वो टेबल बनानी है, और मेरे को समझ में नहीं आ रही कैसे बनती है यार, मतलब हाँ उसका क्या सीन है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। एक तो गाइस मेरे को ना इसमें गाइड चाहिए, कोई ऐसा भाई कोई भी कुछ भी ऐसा कुछ हो ना गाइस जिससे मेरे को पता चलता रहे कि भाई ये चीज़ें बनती कैसे हैं, यार मेरे को तो समझ ही नहीं आता, अब मेरे को पता ही नहीं है वो जो टेबल बनती है जिससे हम इंचांट करते हैं चीज़ों को, भाई वो कैसे बनती है, लाइक अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है उसके बारे में। चलो यार फिर एक सेकेंड मैं चेक करता हूँ, एक सेकेंड रुको, ये बारिश क्यों होने लगी यार, मॉब्स आ जाएंगे। चलो खैर छोड़ो मैं तो घर के अंदर चलता हूँ। ओ ये कहाँ से आ गया भाई, मैं डर गया, अभी ये अंदर कैसे आ गया यार, तो गधे हो क्या तुम, ये मेरा घर है भाई, भागो यहाँ से, पानी बरस रहा है, चलो बरसने देते हैं यार, मेरे को नहीं पता मॉब्स आते हैं कि नहीं इस टाइम पे, आई हैव नो आइडिया। तो भाई कहाँ चढ़े हो यार तुम, यार पागल हो क्या भाई तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। चलो खैर वो छोड़ो गाइस, मेरे को पता चल गया कि हम कैसे बनाते हैं, रुको मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ऑक्सीडियन ऑक्सीडियन एक ही ब्लॉक है क्या मेरे पास, नहीं यार 16 ब्लॉक है मेरे पास, ऑक्सीडियन तो है शायद नीचे पड़ा होगा, शायद मैं नीचे ये है ऑक्सीडियन, हाँ ऑक्सीडियन तो मेरे पास पड़ा है। तो मेरे को पता है ऑक्सीडियन चाहिए होता है और कुछ कुछ और चाहिए होता है, सो जाते हैं पहले, मॉर्निंग करते हैं भाई, मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जरूरी होता है भाई, कितना गंदा साउंड आ रहा है ना। यहाँ से ये कैसे टूट गया, फट गया क्या यहाँ कोई, अरे यार इनका अपना ही सीन बना रहता है, कितने सारे विलेजर्स आ गए हैं यहाँ पर। तो गाइस चलो अभी हम चलते हैं नीचे और यहाँ से हम अपने डायमंड्स लेके आते हैं, मैं अभी डायमंड्स नहीं तोड़ रहा हूँ, मेरे पास जितने भी डायमंड्स हैं मैं उन्हीं से काम चलाऊंगा, हाँ मेरे पास जो भी 3-4-5 डायमंड है उन्हीं से हम काम चलाएंगे। अब मैंने इंचांट करने वाली जो टेबल है मैंने उसकी रेसिपी समझ ली है, मेरे को पता चल गया है मैं उसी को बनाऊंगा फर्स्ट, क्योंकि हमें भाई वो इंचांट करना है चीज़ें यार, मेरे को समझ में नहीं आता। इसमें है हमारे पास 4 डायमंड्स हैं तो चलो लेके चलते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम और भी ले आएंगे।
इससे बहुत स्लो जाता है यार ऊपर, मतलब हद से ज्यादा स्लो है भाई। इतने इतने में तो मैं ऐसे नींद सी आ जाती है यार। खैर अब जल्दी जल्दी चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो हम क्राफ्टिंग टेबल ना कैसे बना सकते हैं ऑब्सीडियन से और एक बुक से। तो बुक तो मेरे पास है क्योंकि बची हुई थी मेरे पास, काफ़ी बुक्स हैं, बुक्स का तो कोई सीन है ही नहीं। ऑब्सीडियन अभी तो देखा था मैंने, ऑब्सीडियन जीरा, ऑब्सीडियन और हमें क्या चाहिए हमारे पास वो है और एक बुक। चलो ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, शायद दो ये चाहिए। भाई यहाँ पर भी नहीं बन रही है तो क्या सीन है, यहाँ रखना है क्या फिर? अच्छा अच्छा हाँ, तो देखो गाइस ये है सीन इसका, ऐसे बनती है। ओके फाइन, तो यार एक तो ये मेरे को ढूंढना पड़ता है, ऐसे बुक ऊपर रखो, ये ऑब्सीडियन ऐसे चार ऑब्सीडियन लगते हैं ऐसे नीचे और दो डायमंड लगते हैं, तो हम इससे एक ये इंचांटिंग जो भी टेबल है इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हमने इसे बना लिया है और अब हम इसे जल्दी से वहाँ रख देते हैं। मेरे को इंचांट वगैरह करना सीखना है कैसे किया जाता है। बाकी ये मैंने बहुत गलत लगा दिया पोर्टल यार, मैं इसमें घुस जाता हूँ बार बार, दो तीन बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ। तो चलो फिर मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, कहाँ लगाएं इसे, यहीं लगानी पड़ेगी, और तो कोई ऑप्शन है भी नहीं ना वैसे भी मेरे पास। ठीक है हाँ, हो तो रहा है कुछ तो हो रहा है, आई डोंट नो कि मैंने सही लगाई है कि नहीं, बट लग रहा है शायद सही है। चलो एक बार देख लेते हैं, मतलब अब इंचांट करने के लिए मेरे को बुक तो है मेरे पास और मैं जल्दी से लैपिस लेके आता हूँ। वैसे मेरी लेवल भी 16 है, इतनी बुरी नहीं है, तो मतलब कुछ तो कर ही लेंगे ना, मतलब अभी तक तो मैं मरा नहीं हूँ। तो लाइक किया, मेरे पास लैपिस रखा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं, लैपिस मेरे पास काफ़ी था यार। एक ही है क्या, ये क्या सीन है भाई, इसमें भी नहीं है, इसमें है ना, ये रहा हमारे पास लैपिस, तो काफ़ी है मेरे पास, अभी नीचे भी बहुत पड़ा है, बट मैं उधर जाना नहीं चाहता अभी माइंड में क्योंकि मेरे को डर लगता है हर बार। तो हाँ मेरे पास वैसे एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। तो मैं सबसे पहले तो इसमें अपनी एक बुक रखता हूँ, ओके, और इसमें कुछ रखते हैं लैपेज। तो एक तो मेरे को क्या, ये क्या है, स्माइट, ये क्या है भाई, इंच, ये मेरे को कुछ मिला ही नहीं है। मेरे को ना 30 अपनी लेवल पहले 30 करनी पड़ेगी तब मेरे को कुछ मिलेगा, ये क्या चीज़ है भाई, ये तो मेरे हिसाब से कुछ खास अच्छा है ऐसा है नहीं भाई, ये कुछ खास नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलो एक एडवांसमेंट खुल गई मेरे पास, तो चलो कोई बात नहीं, एक बुक और रख के देखते हैं शायद अब कुछ मिल जाए। अलग प्रोटेक्शन मिल रहा है मेरे को, और बोनस ये तो मेरे को पता नहीं है, प्रोटेक्शन मेरे को 1 मिल रहा है, एक प्रोटेक्शन 1 ले लेते हैं। चलो मेरे पास एक दो किताबें और पढ़ी हैं वैसे तो इसमें, चलो देखते हैं एक मिनट अब इसमें कुछ और मिल रहा है क्या मेरे को। ओ मेरे पास अब लेवल्स ही नहीं बची, तो वैसे अब मेरे को मिल क्या रहा था, एफिशिएंसी 1 मिल रहा था मेरे को, और ये क्या बेन ऑफ, ये पता नहीं क्या अजीब सा है, और एक मिल रहा अनब्रेकिंग 3 गाइस। ओके मेरे को 30 लेवल्स चाहिए फिर मैं अनब्रेकिंग 3 ले सकता हूँ इससे, ये काफ़ी सही है वैसे मेरे हिसाब से यार, अनब्रेकिंग 3 तो बहुत सही चीज़ है भाई। ओके फिर मैं सर डायमंड पिकैक्स पे लगा लूँगा अपने, हाँ एक्चुअली चलो मैं अभी तो यहाँ पर बुक रख देता हूँ और अपना लैपिस लाजुली भी यहीं रख देता हूँ क्योंकि अभी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैंने 2 बुक्स ले लिए, तो ये प्रोटेक्शन है तो मेरे को प्रोटेक्ट, अभी मैं इसको भी यहीं रख देता हूँ क्योंकि इनका भी मेरे को यूज़ पता नहीं है अभी। प्रोटेक्शन 1 है मेरे पास और ये स्माइट 1 है, पता नहीं ये क्या होता है बट जो भी है अभी हमें सिर्फ यही मिल रही है, इससे ज़्यादा अच्छे कोई इंचांटमेंट मिल नहीं रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, हाल फिलहाल तो अब इसी से काम चलाते हैं। और गाइस चलो एक काम करते हैं, मैं अपनी चीज़ देखता हूँ मेरे पास कुछ है भाई, डायमंड है, फर्स्ट डायमंड को उठा के कहीं रख देता हूँ पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहता हमारी कीमती चीज़ कहीं चली जाए और हम फालतू मर जाए। भाई ये अंदर कैसे जा रहे हैं मेरे घर में यार, ये क्या सीन है इनका, क्या पागल है क्या। तो चलो अब मैं, मेरे पास अभी और तो कुछ है नहीं ना बस, अरे भाई गोल्ड बार, हाँ गाइस मैंने एक गोल्ड बार ऐसी बना, अच्छा हाँ मेरे को गोल्ड बार चाहिए थी, मैंने इसलिए बनाई थी। ओके तो गाइस देखो मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता चला है, देखो पहले जब मैंने खेला था तो नेदर में वो नहीं थे, पिगलिंस नहीं थे, अभी पिगलिंस एक नया मॉब इसमें ऐड हुआ है, तो उसका सीन क्या है भाई, अगर हम कुछ गोल्ड का नहीं पहने हुए होते हैं ना तो हमारी पेटी बना देता है वो, तो मतलब उसके साथ कुछ ऐसा सीन है, तो मैं बहुत ध्यान से उसके साथ थोड़ा सा डील करना पड़ता है। तो अगर हम गोल्ड का कोई भी आर्मर कुछ भी, मतलब बूट्स हो या हेलमेट हो, तो एटलीस्ट हमें एक चीज़ कोई गोल्ड की पहननी होती है, इसके बाद हम मतलब उससे बच सकते हैं, नहीं तो वो पिगलेंस हमें मार देते हैं। तो या मैं सोच रहा हूँ चलो गोल्ड का अभी मेरे पास पड़ा है तो चलो लेके चलते हैं, गोल्ड मेरे पास 29 है अभी तो हाल फिलहाल, और मैंने माइनिंग की नहीं है,
बट चलो कोई बात नहीं, चलो हम अपना गोल्ड ले आए हैं, इसे थोड़ा सा बर्न करेंगे मतलब, और उसके बाद हम कुछ गोल्ड का आर्मर बनाएंगे, उसके बाद हम फिर जाएंगे। और गाइस एक और चीज मैं बताता हूँ, नेदर में हम, हाँ गाइस तो मैं ये बता रहा था, देखो गाइस हम नेदर में ना बिल्कुल भी मतलब बैड यूज नहीं कर सकते हम वहां पर, तो अगर हमने बैड यूज करने की कोशिश भी की तो हमारी पेटी बन जाएगी वहां पर। चलो जब तक ये पूरा गोल्ड हो रहा है मैं नींद ले लूं थोड़ा सा, अगर रात हो गई हो तो। यार ये यहाँ क्यों घूम रहे हैं यार, ये मेरा घर है भाई, तुम यहाँ मैं कब्जा करना चाह रहे हैं यार, ये गलत चीज है भाई, ये गलत चीज है, ये ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, मैं नहीं जाने दूंगा, मैं नहीं जाने दूंगा, मेरा घर है, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मेरे घर से भागो, भागो। अबे अजीब कब्जा है यार इनका यार, ओबे सो गया, हट हट मेरे को सोने दे, हट हट मैं सोऊंगा यहाँ, मैं सोऊंगा, भाग जाए यहाँ से, हट हट मैं सोऊंगा, मेरे बेड पे सो रहा है, गधे कहीं का, अपने बेड पे जाना, यहाँ क्यों क्यों आया यहाँ, देखो देखो फिर सो रहा है यार, जबरदस्ती है ये, अच्छी जबरदस्ती है यार, मैं सोऊंगा यहाँ पे, इसको नहीं सोने दूंगा मैं, मेरा बेड है गधे, मेरे बेड पे सो रहा है। चलो गाइस तो अब सुबह हो गई और मेरे पास कुछ गोल्ड तो आ गया होगा, चलो 10 गोल्ड आ गया बहुत है, और मैं जल्दी से गोल्ड के थोड़े से अपने आर्मर बना लेता हूँ, एक काम करता हूँ टोपी बना लेता हूँ, एक टोपी आ गई ना हमारे पास, सफिशियंट है बस, और अब मैं बाकी का गोल्ड रख देता हूँ, क्योंकि भाई गोल्ड बहुत ज़्यादा कीमती होता है, तो मैं अभी वो तो सब नहीं करने वाला हूँ, चलो गोल्ड की टोपी पहन लेते हैं हम, ठीक है, अब कम से कम पिगलिन हमें परेशान नहीं करेंगे, और अब हम चल सकते हैं, पता है क्या गाइस, अब चल सकते हैं नेदर में, गाइस हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भाई नेदर में, और मैं नेदर में, वैसे तो मैं नेदर में ऑलरेडी जा चुका हूँ ऑफलाइन, और मैंने वहाँ पे बहुत कुछ काम भी किया, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, तो गाइस चलो हम सीधे चल रहे हैं नेदर में, यूहू नेदर। ओ भाई ये क्या सीन है, नेदर नेदर हम जा रहे हैं नेदर में, ये हम नेदर में आ रहे हैं, तो देखो गाइस एक सेकेंड, हाँ तो मैंने यहाँ ये कोबल स्टोन के थोड़े से, ओ भाई बिल्ली यहाँ कहाँ से आ गई, पागल है क्या बिल्ली, अरे मर जाएगी वापस जा, पागल बिल्ली। तो गाइस चलो मैं आपको थोड़ा सा चल के दिखाता हूँ यहाँ पर क्या सीन है, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो चल पाता हूँ, क्योंकि ये पता नहीं कैसा नेदर है, मतलब मैं इस पर मतलब देखो ये जो रेत है ना, इस ये है जो सोल सैंड है, इस पर मैं स्लो चल पाता हूँ, ये सोल सॉइल पर मैं फास्ट चल पाता हूँ, ठीक है, देखो मैं इस पर फास्ट भी चलने की भी कोशिश करूँगा तो नहीं चल पाऊँगा, देखो बस ये मेरी लास्ट स्पीड है, तो हाँ गाइस ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है, मेरे को बहुत ज़्यादा डरावना लगता है भाई ये, मैं यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेके जाऊँगा अभी, ये सोल सॉइल है, इसको मैं लेके जाऊँगा अभी नहीं, बट ये देख रहे हो आप भाई, मैंने कुछ यहाँ पर मैंने कुछ स्टेयर्स वगैरह लगाए थे, वो किधर गए यार, मैंने नीचे जाने के लिए, हाँ ये रहे स्टेयर्स, वैसे तो मेरे को यहाँ बहुत डर लगता है, बट चलो हम चल सकते हैं, देखो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, अगर कोई यहाँ हो नहीं तो, यहाँ हम आ गए, और आई थिंक यहाँ कोई ना हो, होप करते हैं कोई ना हो, वैसे यहाँ पर ये कुछ है, देखो गोल्ड और भी है, चलो यहाँ से ले ही लेते हैं जब आई गए तो, भाई चलो अच्छी बात है, ओ भाई अच्छी बात है यार, इससे तो नगेट्स मिलते हैं हमें, ओ भाई बहुत सारा गोल्ड है यहाँ तो, चलो हमारे पास काफी गोल्ड भी हमने ले लिया, ओ ये क्या चीज है, ये भी ले लेते हैं, ये क्या चीज है, मैं अपनी ये वाली ये पिकैक्स क्यों बर्बाद कर रहा हूं यार, ये किस काम में आते हैं भाई, पता नहीं, बट मैं तो ले रहा हूं, ये कुछ अजीब सी चीजें हैं जो मेरे को लेनी थी तो मैं ले लिया, ये या ओ भाई नीचे मेरे को डर लगता है भाई, ओ ये कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो था यहाँ पर जो घूम रहा था, एक सेकंड, अच्छा ये मेरा ही ब्लॉक है, ये क्या चीज है वैसे, बोन ब्लॉक, चलो इसको भी तोड़ ही लेते हैं, अच्छी बात है बोन ब्लॉक मिला हमें, न्यू रेसिपी अनलॉक की हमने, खैर छोड़ो मैं इसको लगा रहने देता हूँ, यहाँ पर भाई बहुत सही गलत चीज़ें हैं गाइस, मेरे को नीचे और जाना चाहिए वैसे तो नेदर में, तो मेरे को डर लगता है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा हो गाइस तो आप ब्राइटनेस थोड़ी सी ऑन कर लेना, बाकी मेरी तरफ से तो काफ़ी सही है आई थिंक, यहाँ पर तो बहुत स्लो चलता हूँ यार मैं, मेरा बेस कहाँ है मेरे को वो देखना बहुत ज़रूरी है भाई, अच्छा ऊपर है, चलो ठीक है मरूंगा नहीं एटलीस्ट यहाँ पर, देख रहे हो लावा, देख रहे हो भाई लावा, मेरे को तो डर लग रहा है मैं जाऊँ कैसे ऊपर, मैं आ तो गया हूँ, क्या मैंने गलती की है कोई, वहाँ पर देखो एक वो है, देखो पिगलिन है वहाँ पर,
खैर वो पिगलिन अभी हमें परेशान नहीं करेगा क्योंकि हमने वो पहन के रखा है भाई। यहाँ गास्ट होती है उनसे जरा हमें बच के रहना पड़ता है, और मैं भाई अभी उनसे तो किसी से टक्कर लेने वाला नहीं हूँ भाई। मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पर यार, मेरे को तो लग रहा है भाग लो यहाँ से बस कैसे भी। एक ये ले लेते हैं, ये कुछ अजीब सा मिला है मैं सोल सॉइल के ऊपर से, ये क्या चीज़ है भाई। मैं एक काम करता हूँ मिट्टी भी ले ही लेता हूँ, सोल सैंड है ना, सोल सॉइल कौन सी है, ये क्या है पता नहीं, ये क्या है, ये सोल सॉइल है ना, चलो मैं इसको थोड़ी सी ले लेता हूँ। इसकी एक बहुत अच्छी चीज है जो मैं, ओ भाई कोई तो है, वो कौन है भाई, हट जा। ओ भाई मार दिया, ओ भाई डर जाता हूँ यार मैं तो, मुझे लगा मेरी पेटी बनी भाई, मैं नहीं आ रहा नेदर में भाई, ये बहुत डरावना है यार, मैं नहीं आ रहा, ये बहुत डरावना लगता है यार, ये हद से ज़्यादा डरावना है यार, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए यार। मेरे को इसमें फोर्ट्रेस वगैरह ढूंढना है, वैसे मैंने सुना है कि नेदर उतना ज़्यादा टफ भी नहीं होता है, मतलब अगर थोड़ा सही से खेले हम, बट भाई मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। एक तो यार अजीब सा अंधेरा है, मतलब बहुत अंधेरा भी नहीं है, मतलब उजाला भी नहीं है, कुछ अजीब टाइप का ये है ना, मतलब एकदम रेड 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 और बस सिर्फ रेड 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 जो भी है रेड रेड रेड। तो गाइस चलो ठीक, गास देखो मैं, ओ भाई बच गया, बचाओ। पेटी बन जाएगी अपनी, एक तो स्लो चल पा रहा हूँ मैं यार, वो गास्ट तुम नहीं, अभी नहीं। भाई क्या गलत सीन थे भाई, अब मैं कैसे जाऊंगा यार, मेरे को जाना तो है बट वहाँ पर वो गास्ट है यार, मेरा बहुत कुछ पड़ा है वहाँ पर यार, मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता उसको। चलो मैं एक काम करता हूँ एक बार, ओ भाई चलो यहाँ पर ये आ गया एक बंदा, चलो ये अच्छा है, उनको बस मेरा सामान मिल जाए। मेरा सामान किस तरफ था मैं तो भूल ही जाता हूँ यार, आई हैव नो आइडिया भाई किस तरफ था मेरा सामान, मैं कहाँ मरा था यार। अच्छा उधर मेरे को दिख तो रहा है वैसे मरा जहाँ पर हूँ मैं, हाँ यहाँ नीचे कहीं मरा हूँ शायद से, पर मैं जाऊँगा कैसे यहाँ पर यार, मैं तो भूल ही गया, मेरे को अपना सामान चाहिए हर हालत में। गाइस मैं वहाँ नीचे गया था क्या, ओ शूट गाइस मैं बहुत नीचे चला गया था यार, इसीलिए मेरे को भाग के जाना पड़ेगा कैसे भी, वो पड़ा है मेरा और मेरी डेथ वहाँ हुई है मेरे को दिख रहा है, और ये बंदा वहीं घूम रहा है, तो मैं चलो एक काम करता हूँ जल्दी जल्दी से जाता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। मर जा, ओ वो नहीं मरेगा भाई, बहुत ज़्यादा हेल्थ है इसकी तो भाई, मेरे को पता है मैं पक्का कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओ शूट देखो फटाफट से एक ना एक शॉर्ट तो एटलीस्ट बन, चलो मैं ये ले लेता हूँ, ये आयरन पिकैक्स है ना, इससे इसकी पेटी बनाऊंगा, अभी रुक जाओ, अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, इस बार नहीं छोड़ूंगा भाई, इस बार मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ इसको जरा, ये क्या समझ क्या रहा है अपने आप को। चलो जल्दी से सामान उठाते हैं अपना भाई, ले लो जो 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 मिल रहा भाई, ले लो सब, आ जाओ मेरे पास जल्दी आ जाओ, ले लो फटाफट ले लो भाई। ओ भाई मेरे को सब मिल गया, मैं भाग रहा हूँ भाई साहब, बस मेरे पास और सब आ गया ना, मेरे पास बस पिकैक्स चाहिए मेरे को, आ गया अब निकलता हूँ मैं यहाँ से भाई साहब, मैं नहीं आ रहा, मैं नैदर में नहीं आ रहा भाई, नैदर में मैं आ ही नहीं रहा। ओ भाई चढ़ जा यार, मेरी हेल्थ देख रहे हो ना बिल्कुल ही लो है, एकदम लो, मेरे को तो भाई बहुत डर लग रहा है, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं आ गया, मैं अपना सामान लेके आखिरकार गाइस।
भाई रात हो गई, यहाँ पर भी सीन चल रहा है यार, यहाँ पर भी रात हो गई भाई, मेरे पूरे लेवल्स गिर गए भाई, पूरे लेवल्स चले गए मेरे यार, शूट बहुत गंदा सीन हो गया भाई। चलो खैर सुबह तो हो गई, एटलीस्ट मरते मरते बचे हैं लाइक क्या। तो गाइस देखो मेरे को ना, मैंने इंचांटेड की वो बुक तो बना ली है ठीक है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता भाई कि वो बुक्स है ना अटैच कैसे होती है, मतलब इंचांट करते कैसे उससे टू। तो गाइस वो उसके लिए आप एक काम करना, फिर मेरे को एक बार कमेंट कर देना गाइस, तो मैं उसको भी कर लूँगा। देखो आज हमने काफ़ी कुछ कर लिया, नेदर में भी होकर आए, और ये हमारा जो बुक शेल्फ है इस पर भी हमने कुछ भाई साथ है यार, मैं क्या बोलूँगा। चलो कोई बात नहीं गाइस, हम क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर हम एक एक्सपी फार्म बनाएं ठीक है। तो मैं कहाँ पे बनाऊँ, मैं यार ये सोच रहा हूँ एक्सपी फार्म हमें बनाना ही पड़ेगा ताकि मैं एक्सपी मिल सके और मैं अच्छे इंचांटमेंट कर सकूँ ठीक है। तो मैं इस जगह पर इतनी सी ये जगह इसको कवर करूँगा, और यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक बड़ा सा एक्सपी फार्म। तो गाइस मुझे नेदर के लिए कुछ इंचांटमेंट तो देखो करने ही पड़ेंगे, मेरे पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। और बाकी मैं यहाँ बता रहा था कि आपको यहाँ पर मैं एक्सपी फार्म बना सकता हूँ, तो ऐसे मेरे को 4-5 ब्लॉक का जो भी इसका सीन होता है मेरे को अभी सही से नहीं पता है, तो मैं सीख लूँगा उसको भी जाके एक बार, और फिर मैं यहाँ पर इसी जगह पर बनाऊँगा लंबा सा एक्सपी फार्म। तो फिर ठीक है गाइस, आप मेरे को एक बार कमेंट करके और बताना कि आपको क्या क्या और चाहिए, फिर मैं उस हिसाब से इसमें और भी कुछ कुछ करूँगा। मैं नेक्स्ट एपिसोड में काम करूँगा थोड़ा बहुत, मतलब बेस बना डालूंगा अपने उसका, क्या बोलते हैं जो हमारा एक्सपी फार्म होगा उसका, और फिर मैं आपके सामने उसे बनाऊंगा एक्सपी फार्म, मैं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एक्सपी फार्म में मतलब ज़रूरी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपके सामने ही बिल्ड करूंगा, तो मैं उसे नेक्स्ट एपिसोड में उसके लिए जो भी हमें ज़रूरत होगी वो सब मैं बना लूँगा, और फिर हम उसे बनाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा वो बनता कैसे। वैसे मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, बट मैं सीख लूँगा उसे, कोई समस्या वाली बात नहीं है गाइस ऐसी। और चलो गाइस फिर आपको अगर कुछ भी पूछना हो या आपको कमेंट करना हो गाइस तो ज़रूर करना, और बाकी एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना क्योंकि मैं वहाँ पर सबके शाउट आउट देता हूँ भाई, सभी जो भी लोग मेरे को कमेंट करते हैं मैं सभी को शाउट आउट देता हूँ लगभग। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप करते रहिए वीडियो को एंजॉय।